तू यार क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ा? किस वास्ते आया तू? बर्दाश्त दी हाथ धोने? मेरी मजबूरी है। तेरी मजबूरी? कई मजबूरी है तेरी। मैं बड़े बड़े बेस्ते बंदे वेखे, लेकिन तेरे तू घट वेखे। क्या भाई तू सब नौकरी दो, तू सब बस मैं इजाजत दो। 1,00,000 रुपया कम से कम महीना हम आपको देंगे। हम भाभी के पास जाएंगे और भाभी को मनवाएंगे और रेहान हमारे साथ। ओ, बंदे का पोत्र बाण थे भाई। ये मेरे फूफी का पोत्र रेहान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। रेहान सब्जी वाले को आकर हमने ढूंढ लिया, क्योंकि जब से उन्होंने सब्जी की दुकान छोड़ी वो हमको नहीं मिल रहे थे, लेकिन जराए हमारे कुछ रिपोर्टर उनके पीछे थे ताकि हम उनका पीछा कर सकें और उनसे मुलाकात कर सकें। आखिर वो एक चाय के होटल पर बैठे चाय पी रहे हैं और आज हम उनसे बात करेंगे चैनल पर काम कराने की, क्योंकि चैनल के मालिक हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वायरमेंट किया है कि रेहान को इस बात पर एग्री करो कि वो चैनल पर काम करें, वो जितनी भी तनख्वाह लेते हैं उन्हें एग्री करो। पब्लिक देख रही, जब से रेहान सब्जी वाला शान पाकिस्तान पे चला है, शान पाकिस्तान जमीन से आसमान तक पहुंच गया। इसलिए रेहान सब्जी वाला शान पाकिस्तान की इस टाइम कमजोरी बन चुका है। तो मैंने रेहान सब्जी वालों को इस बात पे एग्री करना है कि वो शान पाकिस्तान पर जॉब करें। दुआ करें, जिस तरह उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिस तरह वो गुस्से वाले हैं, देखें आज वो मानते हैं कि नहीं मानते, दुआ कीजिएगा। तो चलते हैं रेहान सामने, मैं इन्हें देख रहा हूँ और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो रेहान सब्जी वाले को दिखाएं कि वो सामने बैठे हैं। कैमरामैन जरा रेहान सब्जी वाले को दिखाओ, जरा दिखाओ जरा। ये आप देख रहे होंगे कि रेहान साहब चाय पी रहे हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास तू यार क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ा? किस वास्ते आया तू? देख मेरी गल सुन, कोई बर्दाश्त दी हाथ धोनी? मेरी सिर थोड़ी इंसान दे बच्चे वाला काम है, तेन दसिया का है भाई मैं इत्थे बैठो। हम आपका देख रहे थे। हम आप क्यों देख रहे थे और क्यों मेरा पीछा करा ले? सिर्फ थोड़ी सी बात करनी। ओ यार कोई खुदा दा ना इन्हें टाल वजो यार, क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई ने, वो मेरा खावना पीवना हराम किया होया तुसा। वेख मेरी गल सुन, मैं तेरे नाल लड़ के भी वेख लिया है, मैं तेनू धप्पा मारते भी वेख लिया, मैं तेनू हर हवाले नाल वेख लिया, लेकिन तू कोई ढीठ हड्डी दा बनया होया। मेरी हया होता है बंदे दा? मेरी मजबूरी है। तेरी मजबूरी? कई मजबूरी है तेरी। ब्लड प्रेशर हाई मत करे, ब्लड प्रेशर हाई करके मैनू आता भाई। एक मिनट रिलैक्स हो जाए, प्लीज प्लीज रिलैक्स कर। किस वजह से गुस्से में आप? तेरी वजह तू, तेरी वजह तू के कुछ नहीं होया। मैं दस क्या मैंने क्या किया? मैं तो जस्ट आप दुकान मेरी गई, मेरी रन रोस के गई, अपने बच्चे लेके गई, वापस लेके भी तो आया। वापस लेके आया तो तू कोई भाई एहसान करवा देते ही। तू मेरे नाल परना के भेजी है। मैं दरअसल आपसे बात करने आया था। हत्ता बेइज्जत भी करके देख लिया मैं कोई आदा तेरी भाई आखे च सूअर दा वाह ले ले, कोई और गल नहीं। तेरे वर्गा भी मैं बड़े बड़े बेइज्जत बंदे वेखे, लेकिन तेरे तू घट वेखे। बेइज्जत बंदा? मेरी मजबूरी है। मजबूरी है साड़ी भी, सारी मजबूरी। मैं सिर्फ सारे मैं दस मेरे को बच्चे आके मैं आपको हर चीज रस के चली गई। ओ गल बात है ही नहीं जेडी मेरे पहले करती। मुझे पता है मैं आपको दुख समझ सकता हूँ। मैंने वापस हटा के लिया दिता तू सा 20,000, दिता तू सा 10,000। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मैंने क्या दुख समझ सकता है? मैं आपकी सब्जी की दुकान और जितना भी लॉस है मैं पूरा करूंगा। ऐसा ना थे कोई बंदे दे वेचे तरीके वाली गल होवे ना, बंदा अगली गल सुनदा भी है ते करेंदा भी है। मैं आपसे हर तरीके से बात करूंगा, प्लीज आप। हर तरीके नाल कोई ये तरीका होंदा है भाई? बंदा जिथे वदा तू ए कैमरे मैमरे ला के आ जाना, कोई बंदे वाली गल है तेरे च? तू कि इस कैमरे तू लावा आया है? आया है नहीं बात आ मैं पहुंच भाई के मरना है मैनू तेरी वजह नाल। सारे मरने मेरी जिंदगी च पाए, मेरा सोहरा ही मरिया कुछ सौ सा बकवा, मैं आज तक का दी गल नहीं सुनी। मैं दुख समझ सकता हूँ आपका। दुख समझ सकता हूँ? बंदे दे बेच बंदे वाली गल मेरे को भाई सलाम दुआ लाए, कोई गल बात कर।
मैं आपसे वही बात करने आया। बाहर हट ठेले कैमरा चाह के भजे आना तू। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं भी चाय पीना चाहता हूँ। अभी क्या, एक चाय बनवा, मीठा हल्का हो। मिठा हल्का पा में। रेहान भाई मेरी मजबूरी है, चैनल का मालिक जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि आप उनके चैनल पे नौकरी करें। नौकरी करें जी, आपको हम अपने जॉब देना चाहते। ओ को तो पागल तो ना है, नौकरियां दे तो उन्होंने दे जड़े आजकल रोडा दे उते डिग्रियां ला के धिक्के खांदे वाला मैं नौकरी देवन आ गए नाल मेरे को टीसीएम ही नहीं आदियाँ भाई। असल लोगों दिया चाव डो तो आया करे, अल्लाह ने हाथ दिता अपना कमा दिखाने का उठा जाए। अच्छी जॉब, अच्छी जॉब, आपको किसी को चाय नहीं पिलानी पड़ेगी, अच्छी जॉब मिलेगी आपको। मैं आख्या भाई तुसा मैं नौकरी दो, तुसा बस मैं इजाजत दो, अल्लाह दा वास्ता ने मेरा पीछा छोड़ा, मैं नहीं कर सकता है नौकरी। आप सब्जी में से कितना कमाते थे? जितना भी कमाता था मैं कह दा मकरूह था भाई, कह दसा भाई मैं कितना कमा। वैसे पूछ रहे कितना कमा लेते थे? यार जितना भी कमाते अल्लाह का शुक्र है मैं 2500 रोजाना का कमा लेता, कहाँ कहाँ दीवार भाई 1500 कमा लेते हैं, नहीं तो 2500 निकलता है। ये महीने का कितना बनता है? महीने का 2000 दे हिसाब न लाओ तो 60 बनता है, 1000 रुपया रोज दो तो 3000 महीना बना, तो 3 × 3 और जोड़ लाए 60,000 हो गया, तो 60,000 महीना बनता है। यो ए 60,000 में भी कितनी पूरी होती है भला घर की? आजकल के जो अखराजात हैं जड़ी शैया महंगिया हो गई हैं, वो नाश्ते ये स्कूलों दीसा उदू रिक्शा भी लगवाया हुआ है, बाल लेके जाते हैं बच्चों को, पैंपर भी होंगे। पैंपरा से याद आया भाई, जिस द्वार बच्चे को मोशन लग जाए उस दिहाड़े पैंपरा का खर्चा डबल। बच्चे होने तुहाड़े तो तुहानू पता लगे ना गरीब बंदे की जिंदगी क्या है। परेशानी आपकी खत्म करने आए हम। यार तू मेरी कई, तू मेरे परेशानी का बायस है लेकिन तू मेरे खत्म नहीं कर सकता। आपको कम से कम एक बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया आपने मुझे चाय पिलाई, 1,00,000 रुपया कम से कम महीना हम आपको देंगे। 1,00,000 रुपया महीना? आप जॉब यार मेरे ना मजाक ना कर तू अगा जा, ए ओनन दे जेड़े बेचारे धिक्के खांदे वदे साडे कोले होटलां दे विच चावां दियो ते जी बर्तन धो दियो ते ये अखबार की दिया है ते ओ फलाने कागज की दिया है, असा पागल है? आप अपनी मेहनत करके खाती है। आपको एज ए एंकर, एज ए एक्टर चैनल अपने पास रखेगा, 1,00,000 रुपये महीना देगा, आप सिर्फ हमारे साथ काम करेंगे। शान पाकिस्तान आपकी वजह से आज जमीन से आसमान पे चला गया, 1,00,000 से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओए ए मैनु लालच लूलच न दे। हाँ भाई 1,00,000 से नहीं, मेरा हो तेरा ए जड़ा ए मैनु के बना के रखना ने, एज ए एंकर रखें से आसमान ते चला गया था, मेरे पास बाढ़ चला जावे ताड़ा। आप आन करीब आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, चैनल का मालिक आपको चैनल पर रखना चाहते हैं लोग। ओ मैनु राख के तो था मेरा चार पावड़ा। आप में टैलेंट है। के टैलेंट मालट? ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये शान, इनमें टैलेंट है जी, इस तरह आप में टैलेंट है। मैं तेनू आदा पिया चाह पी ते टूरन वाली गल कर बस। लोग आपको मैं तेनू आज नहीं तेनू, मैं तेनू हाथ लावना चाहता, देख मेरी गल सुन, बंदे दी इज्जत अपने हाथ च होंदी, मैं तू ये सुना मैं शाहरुख खान, मारू खान ते सलाम खान जेड़ा भाई है, सलमान खान ओ जू भी, शान, बाबर राणा, साउथ ठाण दे तू मैनू गुना चितवाई वाल भाई, ये भी ते ओ भी, इनमें भी टैलेंट है। तू चाहता के आपको इन जैसा बनाना, आप में फनकार है, आपको इस बात का नहीं पता, आप एक्टर हैं। लोग हमें कमेंट्स में कहते हैं कि रेहान एक अच्छे एक्टर हैं, रेहान एक अच्छे इंसान है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लोग आपको एज ए एक्टर देखना चाहते हैं। ओ ना कोई गलत फहमी हुई होती मेरी गल सुन, तू ना मैं वो काम ना कर भाई, साढ़े सराकियों की मिसाल है भाई, वो आधा मैं लायक नहीं मैंता, वो आधा मैं लांदा चढ़ता भाई। इसका क्या मतलब है भाई? वो कहता ना भाई उर्दू में समझाए, उर्दू में। हाँ मैं तुम्हें साथ नहीं लाया जाता तो तू कहता भाई जरा रोक रोक के जाएंगे भाई, मैं उतरता जाऊंगा दे चढ़ता जाऊंगा। आप मेरी बात एक दफा मान यार, मैं काम नहीं करना, तू मैं आख भाई जड़े तू ओ समलान खान बन जा। अगर आपको चैनल हर सहूलत देगा, आपकी सब्जी की दुकान चैनल की वजह से खत्म हुई, आपका घर बर्बाद चैनल की वजह से हुआ, आप में जितनी परेशानियां चैनल की वजह से आई, आज चैनल आपके तमाम परेशानियां खत्म करना चाहता है। तेन एक गल दसा जी, तू आया मेरे को जी चाह पी,
ते ए अपने कैमरे शैमरे लपेट ते इथों निकलण वाली गल कर बस। ए मैं नहीं कर सकता, मेरी रन मैनू करण ही कौन देसी। अगर हम भाभी को मना ले तो? भाभी को कितो मना, अगर उन्हें हम एग्री कर लें कि आप चैनल पे नौकरी करें फिर? ओ एक टक ओ अगली मेरी जान दा राबड़ी खलोती तू आधा भाई उन आखा भाई काम कर लवे। अगर हम भाभी को मना लें, देखें आप एक गैरतमंद आदमी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप जो बात मुंह से निकालेंगे वो पूरी करेंगे। आज पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया के सामने वादा करें, अगर भाभी मान गई तो आप चैनल पे काम करेंगे, अगर भाभी ना मानी ये मेरा पूरी दुनिया के सामने वादा है, आज के बाद मैं आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा और जितना आपका नुकसान हुआ वो मैं पूरा करूँगा। आप वादा करते हैं? अगर भाभी मान गई तो आप हमारे चैनल पे एज ए एक्टर, एज ए एंकर, हम जो भी आपसे काम करवाएंगे आप करेंगे, करेंगे वादा? आप एक मर्द आदमी हैं। मर्द तो बच्चा है तो बात तू भी सुन, जेड़ा तू मैं कसम चाह सकता, मैं आख सकता गारंटी नाल, भाई मेरी जनानी नहीं मनदी ओ किसे सूरत ना होवे, ओ घर छोड़ते वंजन ते हुन जे अगर मैं वादा करता भाई मैं करांगा काम जो तू का आखेगा ना भाई ये करना है मैं वो भी करांगा। जे अगर तू इंसान दा बच्चा है, अरे जेड़े वेखण वाले लोग अगर इंसाफ पसंद है ते मुंह तो लानता दिवाए जे अगर ए अपनी गल तू फिरे। मैं वादा करता हूं, तू वादा कर, तू कसम खा सही से भाई तू अपने तू सके प्यो दा ही कौन हो से जे अगर तू हट के मेरे को लाया। मैं वादा करता हूं, मैं ना मना सी ओ मैं वादा करता हूं, नहीं मानेगी मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अगर वो ना मनी ते जे अगर तू आया ओ मैं नहीं आऊंगा। हां कोई नहीं आऊंगा, इंसान दा बच्चा ना हो से बात, मैं इंसान के काफर दा बच्चा हो से जे अगर बात भी आ से। ओके आज व्यूअर्स डन हो गया, रेहान सब्जी वालों और मेरे दरमियान हम जाएंगे भाभी के पास। तू जा ओदे कोल जा, पहले वादा तो कर लेना। हां कसम मैं आज कसम उठाता हूं, अगर भाभी का मैं अपने पियो का नहीं आऊंगा जे अगर मैं दोबारा ए रेहान को लाया, मैं अपने पियो का नहीं आऊंगा ये अगर मैं रेहान के पास आया, ऐसे कसम उठाई जैसे आपने मुझे कहा। अगर मैं दोबारा आया तो जैसे इन्होंने कहा, अगर भाभी मान गई तो ये हमारे चैनल पे एज ए एंकर काम करेंगे, एज ए एक्टर। तू आंख से जेड़ा वो तेरा बड़ा आंख सी जो चैनल के मालिक। हाँ तो नाजरीन देखें ये अब किस तरफ जाता रास्ता, हम भाभी के पास जाते हैं तो इनका कहना कि भाभी कभी नहीं मानेगी, कोशिश करेंगे भाभी को मनाने की। आप भी कमेंट्स बॉक्स में अगर चाहते हैं कि रेहान चैनल पे एज ए एंकर, एज ए एक्टर काम करे तो कमेंट्स बॉक्स में भाभी से रिक्वेस्ट करें कि भाभी वो मान जाए और हम भाभी के पास जाएंगे और भाभी को मनवाएंगे और रेहान हमारे साथ। बंदे का पुत्र बनते भाई काम कर, ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना कर। रेहान हमारे फूफी का पुत्र रेहान हमारे साथ काम करेंगे तो शान बंदे वाली गल होनी चाहिए। तो शान पाकिस्तान देखते रहिए अगली एपिसोड आने से पहले और दुआ कीजिएगा कि भाभी मान जाए। शान अल्लाह हाफिज़।